अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उस्मान अली और आप देख रहे हैं हीरो व्लॉग। हीरो व्लॉग में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, चलो पंजाबी जुबान में आ जाते हैं। व्यूअर्स, अज असी तुहानू दसांगे पंजाबी विरसे दे मुतल्लक। एक पंजाब दे पिंड दे विच पहुंचे हां, उहदे विरसे दे मुतल्लक तुहानू दसांगे। पंजाबी घर तुहानू बहावांगे, खेत ते जो जो उहनां दे हालात ने ये सारा कुछ तुहानू दिखावांगे। इंशाल्लाह अगे अगे तो साडे नाल रहना। तो जो साढ़े इस यूट्यूब चैनल हीरो ब्लॉग के न्यू ने, इसको सबसक्राइब कर लें, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो इंशाल्लाह तुम अगे विखाते हैं, तुम साढ़े नाल। हाँ तो व्यूवर्स, आज जड़े घर तुम्हें सामने दिस रहे ने, ये अपने पाकिस्तान की हदूद दे विच नहीं दे, ये इंडिया की हदूद दे विच ने। ते चलो आप चलते हैं, अपने कुछ रिलेटिव्स मेरे रहिंदे ने और दूसरी साइड तो उन्होंने घर ने, चल के तुम उन्होंने घर दिखाते हैं नाल, ते नाल हालात वगैरह दिखाते हैं। इस बहाने तुम बॉर्डर का नज़ारा कर लोगे। ए बॉर्डर से एवें जड़ा ना पराली वगैरह जमा करके रखते हैं ताकि डंगर पाई जाए तो बालन वगैरह ली भी। व्यूअर्स, घर के बच्चे एंटर होए हैं, तो इस तरह के यानी कि चूल्हे ने यह इंप्रूवमेंट हो चुकी है। इस यानी कि बार्डर से जोड़े रेंदे ने पक्के पक्के रेंदे ने पै, तो इधर गोलाबारी वाला कोई सीन नहीं है। इस वास्ते जड़ा ने इन्ना पक्के कोठे बनाए ने, तो यह वेखो है पुराने दौर के जिमें चूल्हे होंगे ने। हाँ तो व्यूअर्स, यानी कि चार दीवारी पक्की है, लेकिन घर जड़े ने अंदर कोठे जड़े ने वो कच्चे ने। माशाल्लाह देखो मझां रखियां ने, बॉर्डर के उत्ते रहिंदे ने, लेकिन इन्हां मझां रखियां ने तूड़ी इकट्ठी करदे ने। वो सामने तुहानू पल्ला नज़र आ रहा तूड़ी का। इस तो बाद तुहानू इंशाल्लाह जड़ा ना कच्चा जड़ा इन्हां दे कोठे ने वो विखांदे आ। इंशाल्लाह तुसीं साडे नाल रहना है। हाँ तो व्यूअर्स, टोके वाला अंदर भी कच्चा है, वेख लो अंदर टोका लगा हुआ है, तो इधर नाल डंगर बनी देने। जड़ा ना अंधेरा बहुत ही ज़्यादा,
इस वजह तो आप चलते हैं बाहर, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। बाहर चल के वेखते हैं कि बाहरों इन्हों का घर किस तरह का है। तो बार्डर ते रहिंदे ने, ते बार्डर का सीन तो तुहानूं पता ही है कि उत्थे इवें ही हुंदा, जगह खुली खुली हुंदी है, हर बंदे कोल जिहड़ा है वह आपका यानी कि विरासत दे विच जिहड़ी जमीन मिलती बहुत ज़्यादा हुंदी है, क्योंकि उत्थे ज़्यादातर आवाम रहिंदी नहीं दी, थोड़ी जी आवाम रहिंदी है तो वह फिर इवें ही रहिंदे ने। हाँ तो व्यूअर्स, ए पुराने दौर की गई यानी कि इस तरह दराज एक पुराने दौर का बनया हों, एक घर के बनया पिया है, रिलेटिव जी ने भी तो इस तरह का होंगे, इनके जड़ियाँ दातरिया कई वगैरह अं टंग दी दियां ने, तो यह भी यानी कि असं तुहानू पुराना विरसा विखा रहे हैं, पंजाबी विरसा, पंजाब का एक पिंड। तो चलो तुम साढ़े नाल रहना है। तो आए जी आलू लावन वाली मशीन जिते सामने पुरन कट्ठी कर रहे हैं एक बाबा जी, तो यानी कि जड़ा है ना इस बॉर्डर एरिए भी यही सारा प्रोग्राम होंगे, सारा काम उस तरह के ही ने, बस आप जोड़े विचकारले पिंड ने उन्होंने ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गई है। तो जड़ा है ना सुबह सुबह यानी कि बाबे उठते ने, उठ के उन्होंने उकाब का अग धरनी है, बाहर एक मंजा पिया हों, वे वे पाव्या का व्डा मंजा जिंद के सारे पिंड के यानी कि बाबे इकट्ठे हो के हुक्का पीते हैं, तो नाल करते हैं गलां बातों, जिन्हों के पंजाबी सत्थ कहा जाता है, फिल्मों के आप सत्थ का ना सुने, तो उस तरह ही उस तरह के ये सीन है, बस तुसी समझ लो, तो मंजा तुसी वेख ही रहे हो। तो दोस्तों अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस तरह यानी कि एक पुराना दरख्त जिंदे चुफेरे तो खुरली बनाई होंगी है डंगरों की, दिन टम सारा दिन डंगर इतने बैठते ने, गर्मी के उन्होंने छाँव मिलती है, तो सर्दी के धुप आती है, दरख्त छांक देंगे ने, तो इस तरह जड़ा है ना चुफेरे डंगर बनीचे होंगे ने, जिमें कि तुम वेख रहे हो किले ठकीचे ने, इन्होंने किलिया से लिया के डंगर बन दीते हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले ब्लॉग च, तुसी साडे नाल रहा करो, चैनल नू कर दिओ सबसक्राइब, लाइक करा करो, कमेंट करो ते शेयर करो, अगर तुहानू साडा ब्लॉग चंगा लगे ते कमेंट दे विच ओह भी दसो, अगर कोई गलती कुताही हुई होवे ते ओह भी कमेंट दे विच जरूर दस्या करो, ताकि जिहड़ा ना असी अपनी गलती नू सुधार सकीए, अपनी गलती नू दुरुस्त करिए। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।